स्वागत है आप सभी को सिविल साइट नॉलेज में। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि ब्लैक कॉटन सॉइल होता क्या है, ब्लैक कॉटन सॉइल का नेचर कैसा होता है, क्या इस पे घर बनाना सही है, फुटिंग इस लेवल पे ब्लैक कॉटन सॉइल पे देना सही है या गलत है, इस पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर ये वीडियो को देखें कि ब्लैक कॉटन सॉइल जब आ जाता है तो क्या करते हैं लोग, है ना। ये भी इसका भी मैं सलूशन बताऊंगा। तो ये देखिए एक्सकवेशन हमने स्टार्ट किया, तो देखिए अपर लेयर में ब्लैक कॉटन सॉइल है। ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए हमें इसके नीचे तक डेप्थ तक जाना पड़ा, देख रहे हैं। तो उस पर हम फुटिंग डाले नहीं, लगभग 1200-1300 एनजीएल से नीचे है ब्लैक कॉटन सॉइल का लेयर जो है 1200-1300 है। तो अगर हम ये और डीप तक होता तो क्या करते, मान लीजिए 1200-1300 है तो अच्छी बात है, हमने खुदाई के नीचे गया देखे तो हमारा दूसरा सॉइल चेंज हो गया, सॉइल का नेचर चेंज हो गया, ओके। तो अब देखिए इसका नेचर होता क्या है कि जैसे ही ड्राई कंडीशन में जब ये ब्लैक कॉटन सॉइल आता है, जैसे ही इसे मॉइस्चर खत्म हो जाती है इस सॉइल से, ये ब्लैक कॉटन सॉइल है आप देख सकते हैं, है ना, तो ये क्रैक डेवलप हो जाती है। देखिए ये क्रैक आने लगा, क्रैक दिख रहा है, ये सब ड्राई है। तो क्या हम इस पे घर बना सकते हैं? जी नहीं। अगर इस कंडीशन है, अगर ब्लैक सॉइल है, ब्लैक कॉटन सॉइल है आपके पास, तो आप देखिए कि कम से कम 2 मीटर डेप्थ तक जाके देखिए, उससे ज्यादा है तो आप डिजाइनर से बोल करके या जिसे आप ड्राइंग बनवा रहे हैं उसे बोल के डिजाइन चेंज करा सकते हैं, उसका फुटिंग का स्टील चेंज हो जाएगा आपका, सिंपली इसके लिए अलग से डिजाइन हो जाता है ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए, है ना। इस पे हम नहीं बना सकते हैं। जब आप थोड़ा सोचिए कि इस कंडीशन पर फुटिंग डाल देंगे तो क्या होगा, ड्राई होगा, ड्राई होगा कंडीशन में क्या होगा, क्रैक डेवलप होंगे, तो फुटिंग में भी आपका जब ये बीच पे बेस आ जाएगा तो क्या होगा, इस पे भी उसमें भी क्रैक आएंगे, वो तो आना ही आना है, सॉइल का नेचर है ये। तो आपको फुटिंग जो होता है, जो आप घर बनाएंगे, वो फेल्योर होने के चांसेस रहेगा, इसलिए हम ब्लैक कॉटन सॉइल को अवॉइड करते हैं। इन केस मान लिया जाए, अभी मैंने दिखाया कि जो एक्सप्रेशन हमने किया, यहाँ पे देखिए अपर लेयर से जैसे एनजीएल से 1200 नीचे गए हैं 4 फुट, तो ये देखिए ब्लैक कॉटन सॉइल का नेचर चेंज हो गया। तो ऐसा है तो आप इसको थोड़ा अधिक एक्सप्रेशन करके देख लीजिए, अगर 2 मीटर से ज्यादा है तो आप डिजाइन चेंज कर सकते हैं अपने डिजाइनर से बोल के, तो वहां पे ब्लैक कॉटन सॉइल है तो वो उसमें स्टील एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर देंगे, टॉप और बॉटम मेस प्रोवाइड करके आपको दूसरा ड्राइंग प्रोवाइड कर देंगे, तभी आप बना सकते हैं। लेकिन अपने मन से बनाना एक रिक्स हो जाता है कि एक्चुअली में ब्लैक कॉटन सॉइल पे घर जब अपन बनाते हैं तो डिजाइन उसके लिए अलग से चेंज होता है, देख रहे हैं ये ब्लैक कॉटन सॉइल है। तो अगर हम देखें हैं, देखिए हम वही कंडीशन किए हैं, इसका डेप्थ चेक किए हैं, तो नीचे हमारा सॉइल का नेचर चेंज हो गया। अब सॉइल बियरिंग कैपेसिटी चेक करके हम अब इस पे घर बना सकते हैं, ओके। तो हम इस पे सॉइल बियरिंग कैपेसिटी चेक कर घर बना सकते हैं, लेकिन जब भी ब्लैक कॉटन सॉइल आता तो आप अवॉइड कीजिए, उसको नीचे डेप्थ तक जाइए। डेप्थ जाने सॉइल का भी मेरे पास डिजाइन है, मैं आपसे वो भी शेयर कर दूंगा। अगर आप सबको चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, मैं उसका डिजाइन शेयर कर दूंगा। एक जगह मेरे प्रोजेक्ट में ऐसा हुआ था कि 3 मीटर डेप्थ तक सॉइल का नेचर चेंज नहीं हुआ था, तो वहाँ पे डिजाइन दूसरा कराया गया था, जो सिंपली जैसे कि जो सैंडी सॉइल दिख रहे हैं, देखिए सैंडी सॉइल है, इसमें सैंड मिक्स है ना। तो आपको इस टाइप के सॉइल अगर आते हैं तो इसके लिए अलग डिजाइन हो जाता है, ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए अलग डिजाइन होता है। तो आप घबराइए मत, अगर ब्लैक कॉटन सॉइल आया तो सिंपली ये सोच लीजिए कि मुझे डिजाइन चेंज कराना हो। अपने मन से बनाएंगे तो थोड़ा रिस्क हो सकता है घर बनाने में, कि घर बनाएंगे तो रिस्क हो जाएगा, कभी भी फेल हो सकता है, क्योंकि आप तो नेचर देख रहे हैं ना, जैसे ही ये ड्राई हो रहा है तो देखिए ये नेचर, और जैसे ही इसमें पानी आएगा, जिसे मॉइस्चर आएगा, मान लीजिए रेनी सीजन में, तो ये क्रैक ना अपने आप ये सट जाएंगे, यानी कि क्रैक बंद हो जाएगा अपने आप जैसे ही इसमें पानी आएगा। तो ये नेचर होता है, जैसे कि आपके पास इस टाइप के नेचर आ जाते हैं तो जरूर आप ध्यान दें कि हम इस ब्लैक कॉटन सॉइल पे घर ना बनाए तो बेटर है।
अगर बनाते भी हैं तो आपको क्या करना है कि डिजाइनर से डिजाइन चेंज करा लेना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, जब इसका सॉइल बेयरिंग टेस्ट करेंगे तो आपको हम बताएंगे।